हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैं शेयर करूंगी प्रॉन मलाईकारी का रेसिपी, जिसे बंगाली में चिंगड़ी माछेर मलाईकारी भी बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसे बनाते हैं। पहले हम डीवेन प्रॉन्स के ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी हल्दी पाउडर। आप इस रेसिपी को लॉबस्टर यानी की गोल्डा चिंगड़ी से भी बना सकते हो। सब कुछ अच्छे से मिला के 15 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है। फिर एक पैन में तेल गरम करना है। सरसों का तेल यूज करें तो बेहतर है। गरम तेल में मैरिनेट किए हुए प्रॉन्स को हम डाल देंगे। इस समय गैस के फ्लेम को मीडियम से थोड़ी ऊपर रखेंगे। एग्जैक्टली 3 मिनट के लिए इन सबको हमें फ्राई करना है। उससे ज्यादा करेंगे तो प्रॉन्स रबड़ी हो जाएगा। कुछ देर फ्राई करने के बाद ही इन सबका कलर लाल हो जाएगा, तब हम प्रॉन्स को तेल में से उठा लेंगे। फिर उसी तेल में हम ऐड करेंगे तेज पत्ता, छोटी इलायची, लौंग और एक छोटी सी दालचीनी। कुछ ही सेकंड के लिए हम इन सबको सॉटे कर लेंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे प्याज का पेस्ट। मीडियम फ्लेम में 7 से 8 मिनट के लिए प्याज को हमें फ्राई करना है, ताकि इसका कच्चापन पूरी तरह से चला जाए। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। 5 मिनट के लिए फिर से फ्राई करेंगे। फिर हम ऐड करेंगे टमाटो प्यूरे। 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में कुक करना है। इसमें अब जाएगा अपने स्वाद अनुसार नमक और चीनी। फिर डाल देंगे हल्दी पाउडर, तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे। बिल्कुल थोड़ी सी खट्टा दही यानी कि योगर्ट हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और 5 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे। डिटेल रेसिपी के लिए प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। मसाला जब तेल छोड़ने लगेगा, तब हम तले हुए प्रॉन्स को डाल देंगे। प्रॉन्स के साथ जूसेस भी होंगे, वो भी हमें ऐड कर देना है और सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे अब हम डालेंगे नारियल का दूध यानी कि कोकोनट मिल्क। इसी के लिए इस रेसिपी का नाम है मलाईकारी। 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में दूध को प्रॉन के साथ अच्छे से मिला लेना है। आधा कप गर्म पानी डाल के 5 मिनट के लिए पैन को कवर करके कुक करेंगे। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 5 मिनट बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च, थोड़ी सी गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच घी। इस ग्रेवी का टेस्ट बहुत ज्यादा तीखा नहीं होता, इसीलिए मैंने सिर्फ 1 ही हरी मिर्च डाली है। सब कुछ अच्छे से मिला के गैस को बंद कर देना है। तो दोस्तों, ये था हमारा बंगाली स्टाइल प्रॉन यानी कि चिंगड़ी मछली मलाईकारी का रेसिपी। आपको अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। इसे आप गर्मा गर्म मीठी पुलाव या फ्राइड राइस के साथ एंजॉय करो। और तब तक के लिए गुड बाय।